हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो अभी सुबह का बज रहा है 4:15 और अभी जस्ट हम पहुंचे हैं भाई रामेश्वरम। और आज का कुछ प्लान है ना थोड़ा डिफरेंट है। आज आए हैं यहाँ पर पम्बन ब्रिज की जर्नी कवर करने के लिए, है ना। और जो पम्बन ब्रिज है ना, पहले तो अभी अपन थोड़ा सा उजाला हो उसके निकलते हैं। पम्बन ब्रिज बाय रोड बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, क्या है क्या नहीं, क्या सिस्टम, सारी चीज़ें देखते हैं भाई। थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा आज। और अभी चलते हैं आगे साइड, बैठते हैं, कुछ वेटिंग हॉल वगैरह देखते हैं, वेटिंग हॉल है कि नहीं है, थोड़ा चाय नाश्ता किया जाए। सुबह सुबह का समय है ना, देखो कॉफ़ी वगैरह तो यहाँ बिकी रही है। बड़ा बेकार टाइमिंग भाई, ट्रेन से आए हैं सुबह सुबह 4:15 बजे की टाइमिंग थी, उतार दिया ट्रेन ने, अब ऐसा लग रहा है कहाँ जाए इतनी सुबह सुबह भाई। अब जो काम है वो उसके लिए भी नहीं निकल सकते ना, उजाला है नहीं है, अंधेरे में कहाँ जाएंगे, है ना। बैग में से हमने अपना ड्रोन निकाल लिया है, अब इसको रखते हैं इस वाले बैग में और सोच रहे हैं ये वाला जो बैग है ना उसको दे देते हैं क्लॉक रूम में। तो यहाँ पे सही सिस्टम है, ये देखो क्लॉक रूम है, 15 रुपये पर बैग पर डे का भाई चार्ज है। और साथ में यहाँ पर वेटिंग हॉल भी है, इसमें पर पर्सन 20 रुपीस चार्ज है एसी वेटिंग हॉल का। सही है, चलो चलते हैं क्लॉक रूम में, रख देते हैं सामान। हमारा जो ट्रॉली बैग था ना वो हमने यहाँ पर क्लॉक रूम में जमा कर दिया है और उसका वही 15 रुपये चार्ज है पूरे दिन का। और अभी हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो यहाँ से इस रेलवे स्टेशन रामेश्वरम स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से पम्बन ब्रिज का डिस्टेंस है करीब 14 किलोमीटर और 25 मिनट के आसपास टाइम लगेगा जाने का, ऑनलाइन शो हो रहा है। अब बाहर चल के देखते हैं ऑटो मिलता है या बस मिलती है, क्या चार्ज ये लेते हैं पम्बन ब्रिज जाने का। तो भाई अब देखो, अब हो रहा है सनराइज़, यहाँ पर व्यू देख रहे हो ना, एकदम तगड़ा हो रहा है। अब बिल्कुल सही समय है यहाँ से निकलने का, जाने का ले लो 300 ले लो, नहीं होगा वही। अभी ऑटो के लिए बात कर रहे हैं पम्बन ब्रिज की, तो जाने का बता रहे हैं, जाने का सिर्फ जाने का 400 और आने जाने का 500। ये तो चार्ज तो थोड़ा सा, मतलब जाने का सिर्फ 400 है और लौटा बट 500, 100 रुपये का डिफरेंस। ये तो भाई चार्ज कुछ ज़्यादा ही हमको लग रहा है, लेकिन अब देखो ना सनराइज़ भी हो रहा है तो अभी बिल्कुल सही टाइम है यहाँ से निकलने का, सुबह सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे ना तो सनराइज़ भी मिल जाएगा। अब क्या करें भाई, 400 बोल रहे हैं, देखते हैं कोशिश करके, अगर थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई ठीक है 400 ही ठीक है, लेकिन हम लोगों को अब जल्दी पहुँचना है ना भाई। अब सनराइज़ पता, अभी एकदम अंधेरा था और 10-15 मिनट अंदर बैठे हो, उसके आगे देखो तो एकदम भाई यहाँ तो सनराइज़ होना शुरू हो गया। अपनी राइड शुरू हो गई है अब पम्बन ब्रिज के लिए, पम्बन ब्रिज बाई रोड। फाइनली ये है हम लोग पम्बन ब्रिज पर। यार पिछली बार बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले आए थे, तब सोचा था यहाँ आएंगे बट आ नहीं पाए यार, फिर यहीं से पम्बन ब्रिज से ही ट्रेन से निकल गए थे, बट फाइनली अब जाकर यहाँ पर हम आ पाए हैं। यार क्या व्यू है यार सही में, और जोरदार हवा चल रही है और ये सनराइज़ है ना भाई, सनराइज़ के चक्कर में हम जल्दबाजी में आए हैं। वैसे 400 रुपये हमसे बोल रहे थे वो सिर्फ छोड़ना छोड़ने का, लेकिन वैसे बोले 400 रुपये छोड़ने का और 500 रुपये छोड़ना और वापस ले जाना, लेकिन समस्या ये थी अब वो रुकते आधा आधा एक घंटे मुश्किल से, ठीक है हमको रुकना है कम से कम 2-3 घंटे यहाँ पर, तो फिर तो कोई मतलब नहीं था भाई, पैसे जब खर्च हो ही रहे हैं तो आराम से रुकेंगे भाई, पूरा इंजॉय करेंगे इस जगह को भी, है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो बस छोड़ दो आप, तो हमको जल्दबाजी में हम आए भाई, बस से भी आ सकते थे, बस का भी ऑप्शन है, बट बस से आना कैसे है क्या चार्ज है ये हमको नहीं पता था, इसलिए फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया। 400 रुपये बोल रहे थे लेकिन 350 में फिर छोड़ दिया, तो ऑटो से बाय रोड अगर आप आ रहे हो तो 350 से आप छोड़ देंगे आपको ऑटो वाले यहाँ के। और लेकिन व्यू यार मज़ा आ गया सही में। यार अभी बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है यार सही में, क्या हुआ ट्रेन आई, ट्रेन निकल रही थी, ऊपर उड़ रहा था ड्रोन, ड्रोन शॉट चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ ट्रेन निकल गई, उसके हम ड्रोन को वापस बुला रहे हैं, ड्रोन आ नहीं रहा है,
क्या हुआ इधर से जोरदार ऐसी इस साइड को हवा चल रही है ना भाई, विंड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर वहाँ की साइड ड्रोन जाता गया भाई हमारा तो भाई हालत खराब हो गई हमारी, समझ लो। ये पुराना वाला ब्रिज, वो है नया ब्रिज के उस पार पहुंच गया हमने भाई, आज लग गई लंका। और बैटरी बची थी मात्र 12%, ये समझ लो 10% के आसपास आ जाती है तो भाई वो ऑटोमेटिकली लैंड होना शुरू हो जाता है, मतलब जब ज़्यादा ही लो होने लगती है। ये को आज ऑटोमेटिक लैंड नहीं हुआ, वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, हमें ये लग रहा है अगर ये ऑटोमेटिक लैंड होगा तो कहाँ होगा यार, पानी में हालत ख़राब थी यार ये को। फिर उधर थे हम पीछे की साइड, वहाँ से दौड़ के आए हमने, कहीं ऐसे ले जाएंगे तो भाई टाइम लगेगा ड्रोन को, यहाँ से वहाँ जाएगा फिर ऐसे आएगा ब्रिज के ऊपर, हमने यहाँ से सीधा इसको यहाँ किया, वहाँ से दौड़ते हुए बीच रोड पे भाई लैंडिंग कराई है, बीच रोड पे सही में दौड़ते हुए आए। वो गला सूख गया यार हमारा, अभी भी गला सूख रहा है एकदम, जान हलक में अटक गई थी यार सही में, बहुत डेंजरस भाई ये डेंजरस ब्रिज तो है ही, यहाँ ड्रोन उड़ाना उससे भी ज़्यादा डेंजरस है सही में यार, बहुत तगड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस। अब तो सब पैक करके रख लिया हमने ड्रोन, हमने अपना उड़ाएंगे भाई, ले लिए इतने शॉट लेने थे बस। चलो अब देखते हैं यहाँ से जाने आने के लिए, बस देखते हैं, बस से ही चलते हैं, देखते हैं क्या फेयर पड़ता है बस का। अभी ये देखो पंबन ब्रिज पे हो रहा है पेंट का काम, और लोग देखो कितनी ऊपर चढ़ चढ़ के भाई वहाँ से पेंट कर रहे हैं यार, अल्टीमेट टास्क है एकदम, अल्टीमेट टास्क, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अल्टीमेट टास्क है यार। हाँ पंबन ब्रिज पर आपको मिल जाएगी कुल्फी, कुल्फी भी यहाँ मिल जाएगी, कुल्फी है ना, कितने की है? 10 की। ओके कैसी कुल्फी देखो ना, एक दे दो। कौन सी मलाई कुल्फी है, कौन सी है? मलाई वाली है। चलो देखते हैं भाई यहाँ की कुल्फी। हाँ जी बताइए। देखो यहाँ पर कोई भी मलाई वाला नहीं चलाता है, पहले सब देते, जैसे हमें आपसे कह दिया, हमें देखो झूठ नहीं कहता, मैं सब बता देता हूँ, इसीलिए हमने आपसे बोला। आप कहाँ से? यहीं साउथ से हैं? नहीं कानपुर के। कानपुर, हाँ लो अपने यूपी वाले ही मिल गए, हम भी झांसी के ही हैं। आप झांसी के हो? मैं कानपुर का हूँ। नहीं हम भाई तो हम देख रहे हैं अपनी हिंदी कैसे बोल रहे हैं। नहीं हम आपको सब बता देते इसलिए देखो, हाँ चाहे कोई भी हो मैं सब सब बताते इसलिए देखो, अपना क्या है हमारा धंधा है भाई देखो। नहीं नहीं सही बात है। हाँ तो हम देखो झूठ, तभी तो हमने कही आपसे बहुत पहले बता दें, मलाई कोई भी नहीं यहाँ पर खिलाएगा। अच्छा तो ये क्या होता है फिर? होता दूध ही चीनी हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा नहीं तो अभी वो जो कुल्फी वाले भैया थे ना वो उत्तर प्रदेश के ही हैं ना, तो उनसे बातचीत ऐसी हुई, हम नहीं बताओ अब कैसे जाया जाए रामेश्वरम भाई सस्ते में, तो बता रहे हैं कि यहाँ से ये ब्रिज उतरना, ये रोड वाला ब्रिज है, यहाँ से उतरोगे तो यहाँ पर बस स्टॉप है, वहाँ पर आएगी ये सरकारी बस, ठीक है, 10 रुपये लेगी रामेश्वरम बस स्टैंड के, फिर वहाँ से बस स्टैंड से 10-20 रुपये और लगेंगे ऑटो के, स्टेशन पहुँच जाओगे। फिर आए कैसे थे, हमने बताया कि ऑटो करके आए थे भाई, 350 रुपये लिए, अरे बहुत ज़्यादा ले लिए उसने, हमने यार अब ले ली, अब क्या कर सकते हैं भाई, है ना भाई, बाहर का आदमी देख के ये चीज़ तो होती है ना, उसके बाद सिंगल सवारी में आए तो ले लिए उसने, क्या कर सकते हैं, यही सीन है थोड़ा सा। वो पिछले ब्लॉग में हमने बताया था आपको कि भाई हिंदी हिंदी जो बोलते हैं, थोड़ा हिंदी भी बोलते हैं तो उनको भी थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ बाहर का आदमी है चलो ले लो, ये सीन हो जाता है। और बाहर कोई भी जाता है यार टूरिस्ट वगैरह दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी में, तो ये चीज़ें तो होती ही हैं, बहुत होती हैं कि लूटने की कोशिश, ज़्यादा पैसे लिए जाते, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। खैर ये तो सब होता ही रहेगा, अब चल रहे हैं पैदल पैदल, उधर जाएंगे बस पकड़ेंगे, फिर वहाँ से बस स्टैंड उतारेगी बस, ऑटो लेके रामेश्वरम स्टेशन, यहाँ से आगे आकर भाई ये देखो यहाँ पर बना हुआ है ये बस स्टॉप, बस यहाँ से बस आएगी, यहीं रुकेगी, यहीं से अपन को लेनी है बस। अब भाई ये आ गई अपनी बस, चलो फटाक से पकड़ लेते, बस स्टैंड जाएगी, बस स्टैंड रामेश्वरम बस स्टैंड, ठीक है भाई ये जाएगी अपनी बस, चलो चले अंदर। तो बस के अंदर अभी अपन आ गए हैं, और ये रहा अपना टिकट 15 रुपये का भाई, अभी वापस आ गए हैं रामेश्वरम हम यहाँ पर, और रेलवे स्टेशन यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पर ऑटो वाले छोड़ दिया, ये वाला जो चौराया है ना यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब देखो टोटल कैलकुलेशन करा जाए तो 15 रुपये लगे थे बस के, 20 रुपये ऑटो के, मतलब 35 रुपये में आ गए, वो गए थे कितने में, 350 रुपये में। तो ये फ़र्क है भाई, लोकल ट्रांसपोर्ट जब यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी सेविंग्स हो जाती है ना, तो आप भी भाई आना जाना 35-70 रुपये में कर सकते हो पंबन ब्रिज आपको जब भी जाना है। और ये ब्लॉग हमने बस इसीलिए बनाया है ताकि जब भी कोई अगर जाना चाह रहा है ना भाई यहाँ से रामेश्वरम स्टेशन से, तो ईज़िली आपको समझ आ जाए भाई कैसे जाया जा सकता है रामेश्वरम से यहाँ पर पंबन ब्रिज।
ठीक है। और अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर बन रहा है भाई बढ़िया गर्मा गर्म या एग पकौड़ा, ठीक है। तो उसके इंतजार में हम यहाँ से पैक कराएंगे, जाएंगे स्टेशन आराम से थोड़ा बैठेंगे, फिर खाएंगे पियेंगे, भूख लग रही है सुबह से खाया नहीं है। तो चलो आज के ब्लॉग को बस यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक चाचा बाय बाय।